हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? और यहाँ पर मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कुछ बोलना स्टार्ट भी किया था, तब तक मैंने फिर कुछ रख दिया क्योंकि एक ज़ोर से गाड़ी पार हुई और मेरा आवाज़ बिल्कुल दब गया। तो मैंने सोचा छोड़ो, मैं इसमें वॉइस ओवर ही करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो है नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और एक दो दिन से मेरा ब्लॉग गया ही नहीं और ये भी ब्लॉग एक कुछ लेट ही जा रहा है। तो ये ब्लॉग जो है शनिवार का ब्लॉग है और अभी मैं सारे काम ख़त्म करके, मतलब अपना कंघी वगैरह करके मैं अब जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और ऊपर जाने से पहले मैंने सारी तैयारी, मतलब कुछ कुछ मैंने कर के गई थी, मैं कंघी वगैरह करने गई थी इसलिए, और सब्ज़ी वगैरह मैंने सब काट लिया था तो दाल चढ़ा दिया है। और यहाँ पर सब्ज़ी मैं काट कर गई थी तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनेगी और थोड़ा सा आलू भी कटा हुआ है, उसकी आलू पोस्तू बनेगी क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा वो कद्दू वाला उतना पसंद नहीं है तो उनके लिए मैंने वो आलू काटा है कि उसका आलू पोस्तू बनेगा। और दाल चावल जो है एक साथ में मैंने चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है गैस पे। तो अब मैं सब्ज़ी बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो पोस्तू के लिए मैंने यहाँ पोस्तू भी पीस लिया है। और वैसे ये रेसिपी जो है, मतलब जो खाना है, खाना है, रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, खाना जो बन रहा है वो अधिकतर थर्सडे को ही बनता है, पर आज था कद्दू बोल के ऐसे ही हम लोगों ने आज बना दिया। दाल और वो कद्दू की सब्ज़ी बनाना था और इसमें चना भी आज डालना था, पर मैं सुबह में नाश्ते में चना की सब्ज़ी भी बनी थी तो चना उसमें डालना था, पर मैं चना रखना थोड़ा सा भूल गई। तो अब मुझे याद आया कि जब मैं बनाने बैठी तो माँ ने बोला था चना डालने के लिए, तो चना मैं भूल गई डालना। तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सा कद्दू का सब्ज़ी बना देती हूँ। और वही हस्बैंड के लिए मैंने जैसे बोला कि आलू की पोस्तू बनेगी, उनको अगर पोस्तू थोड़ा सा दे दिया जाए तो आराम से वो खा लेते हैं। तो दाल चावल तो चढ़ चुका है, उधर मैंने सब्जी को भी छोंक दिया है। यहाँ देखिए, सब्ज़ी को मैंने पहले थोड़ा सा फ्राई किया और इसमें मैंने अभी हल्दी नमक डाला है तो इसको भी अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। मैं सोच रही थी इसको बिना, मतलब ये पानी देकर ही पकाऊँगी, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई टाइम देकर ही पकाऊँगी क्योंकि आज मैं इसमें पानी डालना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसमें मैं मसाले भी ऊपर से भुना हुआ मसाला डालूँगी। इसलिए अगर पानी डालना होता है तो कोई भी मसाला देकर भून के हो जाएगा, पर इसमें मैंने आज ऊपर से जो हल्दी बस सॉरी धनिया जीरा और सूखी मिर्च को हल्का भून लिया है और उसको पीस कर रखा हुआ मेरे पास, अभी पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसको लास्ट में मैं जब अच्छे से ये पक जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हल्का सा मैंने पानी दिया है, हल्का सा आलू, क्योंकि कद्दू तो पक जाता है पर आलू ही पकना थोड़ा बाकी रह जाता है, कच्चा रहता है, इसी के लिए मैंने हल्का दिया है कि थोड़ा सा वो मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा और जब ये सब्ज़ी बन जाएगा तब मैं इसमें ऊपर से मसाले दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्ज़ी बिल्कुल मतलब पक हुई चुकी है, 90% हो चुका है। तो इसमें मैं वो भुना हुआ मसाला दे रही हूँ, धनिया जीरा और सूखी मिर्च को भूनकर गरम करके, और उसको मैंने सूखा ही पीस कर रखा हुआ है। किसी किसी सब्ज़ी में ये सब्ज़ी मसाले देने से ये सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। तो ये सब्ज़ी तो बिल्कुल मेरी रेडी हो चुकी है, तो बस उसी कढ़ाई को खाली करके मैंने इसमें तेल दे दिया है, छौंक दिया है, मतलब पचफोड़न दे दिया, और इधर दाल को छौंकने के लिए भी मैंने, देख सकते हो आप, तेल में जीरा डाल दिया है और इसको दाल को भी छौंक देती हूँ। बस दाल और एक सब्ज़ी तो मेरी बिल्कुल रेडी है और बस इधर आलू का जो पोस्तू मुझे बनाना है इसके लिए मैं, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने आलू को डाल दिया और बस इसको भी अच्छे से भुनना है। तो इधर चावल भी मेरी मतलब लगभग पक ही चुकी है और इधर मेरा जो कढ़ाई में मैंने आलू फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको भी फ्राई करना है, थोड़ा सा लाल करके फ्राई करना होता है तो टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें कुछ स्पेशल कुछ मसाले नहीं लगते, वही पोस्तू और सूखी मिर्च को मैंने पीस कर रखा है और साथ में लगता है टमाटर। तो ये थोड़ा सा ही देख सकते हो, लगभग दो आदमी का खाने लायक है, मैं वो भी उतना पसंद नहीं करती हूँ, पापा को भी उतना पसंद नहीं, मैं खा लेती हूँ, पसंद नहीं मतलब मुझे नॉर्मल है, 50-50 है, पापा को पसंद नहीं है तो हस्बैंड और माँ को ज़्यादा पसंद होता है आलू की पोस्तू, तो वो लोग दोनों खा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये दोनों सब्जी बनकर रेडी है, दाल भी रेडी है और चावल भी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो मेरा खाना तो कंप्लीट बन चुका है, बस दाल के कारण पूरा स्लेप मेरा गंदा हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरा दाल का पानी वगैरह गिरा हुआ है और कढ़ाई वगैरह भी मैंने खाली कर लिया है और दो चार जो बर्तन थे वो तो मैंने धो ही लिया है, बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर गैस वगैरह मैं साफ़ करूँगी। तब तक मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बैठने के लिए फ़ैन चला कर, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख ही सकते हो मेरी हालत आप लोग, पसीने से मतलब किचन में तो कोई भी है, मतलब गर्मी तो है पर किचन में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर बैठूँगी और टाइम मैं देख रही थी कि कितना टाइम है, तो अभी खाना पीना करने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा बैठ कर फिर मैं जाऊँगी गैस वगैरह साफ़ करने के लिए।
तो बस अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ, खाना पीना दोपहर का ख़त्म करके सारे, मतलब अभी मैं सोकर उठी हूँ, सोई थी मैं, थोड़ा बहुत सोई थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, पर दोपहर से थोड़ा सा हवा चलना शुरू हो गया था, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ था, अभी धूप निकली है पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा आराम अभी लग रहा है गर्मी से। आप मौसम देख सकते हो, पत्ते हिल रहे हैं। और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि उठने के बाद ही तो कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमारे यहाँ तो 42 डिग्री 43 डिग्री ऐसे गर्मी चल रहा है, पर चाय तो हम लोग को चाहिए ही दोनों टाइम। और बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं तुरंत खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि मुझे अपने गाँव वाली ससुराल जाना है, आज अमावस्या है तो वहाँ पर काली मंदिर है, तो हर अमावस्या के दिन पूजा होती है, पूजा तो डेली होती है पर अमावस्या के दिन थोड़ा सा स्पेशल पूजा होता है और प्रसाद वगैरह बनता है, बहुत कोई खाने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं और हस्बैंड जाएंगे, तो मम्मी पापा और अबीर के लिए मैं रोटी और आलू परवल की भुजिया मैं सिंपल सा बना दे रही हूँ कि वो लोग तीन लोग खा लेंगे, हम दोनों तो प्रसाद खा कर ही आएँगे, तो मैं और हस्बैंड ही जाएंगे। छोटे वाले चाचा बोल के गए थे कि हाँ आ जाना, पूजा हो रही है, वैसे हमें पता था पर वो बोल कर गए थे, मैं जाती नहीं, पर वो जब बोल दिए तो फिर बोला कि नहीं, जब बोल कर गए हैं तो फिर जाना तो बनता है। तो बस जल्दी से मैं खाना बनाकर ऊपर आ चुकी हूँ, साड़ी पहन लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ तो मैं साड़ी पहन कर जाती हूँ, बाकी जगह सूट वगैरह पहन लूँ पर वहाँ साड़ी ही पहन कर जाती हूँ गाँव में। तो बस ये कॉटन की साड़ी मैंने पहनी है, माँ की कॉटन साड़ी ये माँ की है, क्योंकि मैं कॉटन की साड़ी पहनती हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ, तो कॉटन की साड़ी मेरे पास है भी नहीं और मैं खरीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि पहनना होता नहीं है, जब भी पहनना होता है माँ के पास से मैं ले लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ और बस बालों को जूड़ा बना लिया है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है पर फिर भी थोड़ी सी गर्मी लगती है, और गर्दन वगैरह पर गर्मी के दिन में बाल खुले रहे तो अच्छा नहीं लगता है, अजीब सी लगता है, तो यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने पहना है, और ब्लाउज मेरी इत्तिफाक से मैचिंग हो गई तो मैंने पहन लिया इसी साड़ी को। और बस और ये होठों में मेरा थोड़ा सा घाव टाइप का हो गया है, क्योंकि ये हमेशा मुझे हो जाता है, जब भी थोड़ा सा हरासमेंट हो, शरीर में कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो, तो मुझे ये निकल आता है, ठंडा गर्म होता है ना, और आजकल हो भी रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरा फ्रिज का मैं पानी पी ले रही हूँ, जिसके कारण ही शायद मुझे हल्की सी ठंड लग चुकी है, गला भी थोड़ा सा भारी भारी है, इसीलिए ये सब थोड़ा सा हो जाता है। और बस निकल चुके हैं मैं और हस्बैंड बाइक से, तो यहाँ भी स्कूटी पे है ना कोई, हमें मिल गए थे तो वो भी जा रहे थे, तो वही उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, तो वो वही लोग भी जा रहे थे, तो उसी से थोड़ा सा मैंने बात किया, फिर यहाँ से अब निकल चुकी हूँ गाँव जाने के लिए, तो चलिए आप लोग भी चलिए। और पहुँच चुके हैं हम लोग और गांव में, मतलब हमारा गांव तो बहुत छोटा ही है तो उतना भीड़ भाड़ आपको नहीं लगेगा, पर बाहर से भी मतलब लोकल आसपास के भी लोग बहुत आते हैं, तो आज बहुत सही टाइम पर मैं पहुंची हूँ, नहीं तो हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ खाना बनाने में आने में। तो यहाँ पर देख सकते हो धीरे धीरे सभी गाँव के लोग जमा हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे यहीं पर छोटी चाची सास बैठी हुई हैं, दोनों नंदे बैठी हुई हैं, और पूजा भी स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो अभी माँ को सजाने का काम चल रहा है, मतलब माला वगैरह चढ़ाया जा रहा है, जो भी अपना प्रसाद लाते हैं, जो चढ़ाने के लिए माला वगैरह लाते हैं, वो सब सजाया जा रहा है, अभी पूजा स्टार्ट होगी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो बस मैं हम लोग बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर उतनी जगह नहीं होती है और ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हुए हैं। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। ओम हे तत्पाद ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। ई नमाज्ञ ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। हे तत्पाणि ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। भक्ति पानम निरसन प्रतिज पदम सर्व पंचातु कोरोना जनावरोति भगवान नमस्ते नारायण भगवान भगवान पूजा हो गई और आई
एक घंटे करीब हम लोग बैठे थे, पूजा हुई, आरती हुई, उसके बाद फिर आरती हम लोगों ने लिया और अब निकल चुके हैं हम लोग प्रसाद खाने के लिए। निकल चुके मतलब पास में ही ग्राउंड है, तो स्पेशली ये प्रसाद खाने के लिए, पूजा की ही कोई चीज़ करने के लिए ही यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो पीछे भोगघर मंदिर है, मतलब स्पेशल बनाया गया वहाँ पर, प्रसाद वगैरह जो भी पूजा से रिलेटेड कुछ भी होता है यहीं पर होता है पूरे गाँव का। तो सामने जो व्हाइट कलर देख रहे हो वो दुर्गा मंदिर है और पास में काली मंदिर है, तो सारा चीज़ हम लोग का यहीं पर होता है। तो हम लोग सब लाइन से बैठ गए हैं और यहाँ सब नीचे ही बैठकर प्रसाद खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, कम से कम 500-600 लोग खाते हैं प्रसाद यहाँ पर। तो गांव की छोटी सी ही पूजा होती है, उतनी व्यवस्था नहीं होती हुई कि सबको टेबल चेयर या कुर्सी दिया जाए। तो मैंने प्रसाद भी आपको दिखाया और भी कुछ था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो बस प्रसाद वगैरह खाकर हम लोग अब निकल चुके हैं, क्योंकि रात के अब 10 बज चुके थे। और फिर घर का वीडियो मैंने कुछ नहीं बनाया, काकी माँ बोल रही थी कि रहो थोड़ी देर, रुक जाओ बैठो, बोले कि नहीं काकी माँ बहुत लेट हो रहा है, हमें घर जाना है। और माँ का भी फ़ोन आ रहा था कि कितनी देर है। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं घर। तो बस घर आई और नीचे से ये पानी का बोतल वगैरह मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है और बाकी माँ पापा लोग का सबका खाना हो चुका है। अबीर भी खाना खा चुका था, मैंने उसे बहुत बोला था अबीर चलो, पर वो नहीं गया, क्योंकि उसे खिचड़ी वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं और प्रसाद में वहाँ खिचड़ी वगैरह ही अधिकतर बनता है। तो वो गया नहीं, बोले नहीं मुझे खिचड़ी वगैरह नहीं खाना है प्रसाद में, आप लोग जाओ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।